झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह ने ट्वीट करके बिजली कटौती पर हेमंत सरकार को घेरा है। दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रांची में 11 एकड़ जमीन को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर अलॉट करा दिया है। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही उनके राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पर भी कई आरोप लगाए हैं। रघुवर दास ने कहा है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में सीएम की पत्नी को जमीन आवंटित कर दी गई है, यह गैर कानूनी है। बेहरा औद्योगिक क्षेत्र चानो ब्लॉक बिजुपारा रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को जो आदिवासी, आप सब ने भी समाचार पत्र में छापा था कि आदिवासियों को उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किया गया, उन चिन्हित क्षेत्र में सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी सूचना है कि सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। अगर सही है तो उनका यह आचरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 की धारा 13(2) के तहत ये दंडनीय अपराध। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पर भी कई आरोप लगाए हैं। रघुवर दास ने कहा है कि अभिषेक प्रसाद के नाम पर 11 करोड़ के खदान को 10 साल के लिए लीज पर आवंटित किया गया है, यह खदान साहिबगंज जिला में है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर भी साहिबगंज में ही खदान लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल का कहना है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के लिए गलत बयान दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।